पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को और आप सबको। मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर भी उठ के आ गए हैं और आयला और मैं जो है पहले से सुबह उठी हुई थी, हम काफ़ी देर से उठी हुई हैं, दोनों घंटा डेढ़ दो हो गए हैं। और आयला ने पोरिज खाया, मैंने अपनी चाय बनाई सिनेमन वाली और फैलन सीड वाली, सौंफ वाली, दालचीनी वाली और इलायची वाली और डाल के और कड़क सी चाय बनाई है। और साथ में मैंने अपना टोस्ट बनाया जो बनाती हूँ, हाफ प्लेन और हाफ जाम मैंने हनी लगा के खाया। और मादी जो है वो अभी तक आवाज़ आ रही है उठा हुआ, लेकिन स्टिल ऊपर है। और मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। जाहिर ने भी बोला कि मैं एग एंड ब्रेड खाऊँगा, अंडा ब्रेड खाऊँगा, और मादी वहाब ने भी वही खाना है। तो मैं इनके लिए अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर दिखाती हूँ कि हम और क्या कर रहे हैं। जी, रात को हम ग्रोसरी शॉपिंग करके लेके आए थे, तो अंडों का जो पैक है ये सारा मैंने क्रेट रख दिया था ऐसे ही। तो अभी जो है मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो फिर ये मैंने क्या सोचे, पहले मैं अपनी मुर्गी में, अपनी कुकड़ी में अपने अंडे रख लूँ, ये मुर्गी के अंडे रख लूँ। जी, नाश्ता रेडी हो रहा है जाहिर का और वहाब का। ये बहुत साफ गर्म करेंगे इनके लिए, इनको पसंद है। आप ये रख दोगे छू मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए। बाजी वॉशिंग मशीन ने भी जो है मेरे कपड़े जो है वॉश कर दिए हैं बाजी जी ने। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है, मुझे सेहत दी है, तो खुश बादशाह नजर अच्छी है। नजर नाश्ता बना लगी है, ए फ्राई अंडे ते ब्रेडा ते ए ते ओ ते फिर बंदे पूछे थोड़े वजन की बढ़ गया लगता है। ना सजदे में बीमार है बंद। एनीवे, और ठीक ठाक खुश बाश क्या हो रहा है तुसी सनाओ। ए न्यू दसो कोई कप शप लाया करो ना, एवी हाई बाय कर शो दियो। एनीवे कॉल शू इट्स नाइस। He's going for the sea water. Really good. Yeah. 3 4 5 3 ले जाओ। कॉफी रेडी हो रही है। एटीट्यूड वन। जी, नाश्ता जो है जाहिर साहब अपना खत्म कर चुके हैं। वहाब अपना नाश्ता कर रहा है। मैंने टिश्यू खाए हैं। आपने टिश्यू भी साथ में खाए हैं। मैंने टिश्यू, देखो थोड़े से टिश्यू छोड़ देते। जी, ये और ये मादी का नाश्ता। मादी कह रहा है जी मुझे वीडियो में ना लें, मैं बहुत मैसी बना हुआ हूँ। तो ये मादी का नाश्ता और आयला भी अपने गेम खेल रहे हैं और मैं देखूँ कि उधर मेरी बाजी ने मेरे कपड़े वॉश किए हैं या नहीं किए। आपको आवाज़ आ रही होगी बाजी जी की, बाजी जी वह कपड़े स्पिन कर रही हैं और मैंने साथ ही नाश्ता बना के और किचन की सफाई कर दी थी और ये मैंने संभाल दिया था। अभी वो अभी नाश्ता कर रहे हैं तो मैंने सारा कुछ इधर से क्लीन अप कर दिया
और अभी मैंने साथ ही अपनी चाय भी रखी थी गर्म करने के लिए। मैं नाश्ता तो कर चुकी हूँ तो अभी फिर से मेरी एनर्जी लो हो रही है, तो मैंने कहा मैं अपना चाय गर्म कर लूँ। बाकी की चाय ये कवर करके रखी हुई है और बर्तन जो है वॉश में कर रखे हुए हैं, वो जब सारे नाश्ता कर लेते हैं तो फिर मैं सारा कुछ वॉश करती हूँ। तो बाकी जो है जी मैंने सफाई अपने किचन की कर दी और अभी थोड़ी देर में देखते किए हैं भाजी जी कपड़े वॉश कर रही हैं। ठीक है जी, मेरी चाय हो चुकी है गर्म और मैं दोबारा से ये चाय पीने लगी हूँ। मैंने अपनी शुगर डाली और मिक्स कर ली जी। नाश्ता उन्होंने कर लिया, मैंने दोबारा से चाय पी ली और वही सारे बर्तन उठा के लेके आई हूँ और अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। मादी ऊपर गया शावर लेने के लिए, उसके बाद मैं आधा तो शावर दूंगी खुद लूंगी, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि एक दो काम हैं जो करने हैं आज, तो देखती हूँ कि उनके लिए जाते हैं घर में रहते हैं क्योंकि मौसम बहुत बुरा हो चुका है। देखते हैं जी, हम हो गए हैं रेडी और वहाब और मादी तो घर पे ही हैं। हमने वो जाना था टेलर के पास, मैंने कपड़े उठाने थे और एक और जोड़ा देने जाना था। जी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं दिखाती हूँ कि कौन से कपड़े लेके जा रही जी। ये है जोड़ा, मेरी फ्रेंड एबी आई थी जब मैं हेयर कटिंग से करवाए थे तो उन्होंने मुझे ये खाड़ी का जोड़ा है टू पीस, ये साथ में दुपट्टा है और ये कमीज़ है शर्ट है। तो ये मैं जो दिए थे कपड़े सीने के लिए वो उठाने जा रही हूँ और ये देने जा रही हूँ सीने के लिए। तो जब ये रेडी होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी। मैं बना रही हूँ अभी चाय और आप सोचोगे कि इस टाइम पर ये चाय क्यों बना रही है। ठीक है, वो इसलिए कि जो हमारी खाला है वो आई थी तो वो भी साग लेके आई थी मेरे लिए, सरसों का साग। ये देखिए डिब्बे में, तो मैंने ये फ्रिज में रखे हुए थे और ये जो साग है इसमें से आधा मैंने खा लिया है। ये जो हमारी है आंटी हैं सामने वाली नेक्स्ट डोर जो हमारे सामने घर में रहते हैं, बहुत अच्छे उनके मज़े का खाना होता है, वो ऑलवेज बेचती हैं। उन्होंने भेजा था सेम सरसों का साग, इसे गंदला का साग बोलते हैं वो। तो जी ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा है कि आज जो है ना कोई आंटी और कोई चिप्स कोई बर्गर कोई कुछ पकाना, आज हम सबका मूड बन गया है साग वाले पराठे खाने का। तो हम बना रहे हैं साग वाले पराठे साथ में। वहाब कहता है कि मेरा दिल है कि मैं बड़ा सक्का चाय का पराठे के साथ में, मैं कह चले जी वो भी बनाते हैं। और मेरी बाजी जो है आटा गूंद रही है मेरे लिए, वैसे थोड़ा सा गूंद के पड़ा हुआ है, पहले का भी पड़ा हुआ है गूंदा हुआ, तो थोड़ा मैं और गूंद रही हूँ कि शक कम होना पा जाए, क्योंकि पराठे तो ये मछला फिर इनको पसंद आते हैं। तो फिर जहर मुझे कहते हैं कि मीनू डेढ़ पराठा चाहते इसमें, मैं कहा मैं एक फुल और एक आधा कैसे बनाऊंगी, तो जाहिर सी बात है मुझे दो फुल बनाने पड़ेंगे। तो जब पराठे साग वाले बनते हैं या नॉर्मल भी मैं बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे साग वाले पराठे बनाती हूँ जी। बाजी आटा गूंद रही है और मैं अभी पराठे बनाऊंगी, सब कुछ करूँगी। और आप देखते हुए कि मैं थोड़ी देर पहले मैं रेडी हुई, ड्रेस वगैरह पहन के और कपड़े लेने गई और क्या किया जी, मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही अच्छे जो है हुमास टेलर जो है भाई साहब, उनका जो शॉप है उसका नाम हुमास है, वहाँ पे रेडीमेड कपड़े भी होते हैं और वो सीते भी हैं, बहुत ही अच्छे। मैं रेडीमेड कपड़े उनसे काफ़ी दफ़ा लेके आ चुकी हूँ लेकिन सिलाई मैंने पहली दफ़ा उनसे, बहुत ही अच्छी स्टिचिंग की है, मज़े की है। और जब मैं पहनूंगी, अभी मेरा पहनने का वो टाइम नहीं है, वो नॉर्मल वेयर नहीं है, तो जब कोई खास कोई मौका होगा तो मैं ज़रूर वो पहनूंगी और आपको बताऊँगी कि ये उनके हाथ के सिले हुए कपड़े हैं और बहुत ही अच्छे भाई साहब ने सिए हैं। और बहुत मतलब जो है मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि मुझे है था कि जोड़ा ऐसा है जैसे पर्ची जो जिसे बोलते हैं उसका पर्ची का जोड़ा था और परफेक्ट बनाया है। और एक और कुर्ता देख के आई हूँ तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे इस वीक में चाहिए लाजमी, तो वो भी इंशाल्लाह बना देंगे। तो ये जो है मैंने कपड़े इसलिए आके चेंज किए क्योंकि वो क्रीम कलर के थे, लाइट कलर के थे, है तो ये भी लाइट ही कलर, लेकिन ये इसके बाजू इतने खुले नहीं है, वो खुले बाजू खुला ट्राउजर और काम करते हुए जरा मुझे हो रहा था, तो मैंने कहा चले कल दोबारा पहन लूंगी, कल मंडे है बच्चों को स्कूल छोड़ना ये वो, तो ये मैंने शलवार और कुर्ता पहन लिया जो इजी हो के तो मैं अभी खाना बनाऊंगी। तो भाजी मेरी आटा गूंद रही है तो मैं जरा आटे को निकाल लूँ। मैं जी पेड़े बना रही हूँ साग वाले पराठों के, और जैसे मेरी अम्मा बनाती है मैं वैसे बना रही हूँ क्योंकि वो जैसे बनाती हैं तो उससे पराठे के एक एक कोने में जो है सही तरह से जाता है
जो साग होता है, जो भी चीज चाहे वो कीमे के हो, चाहे आलू के हो, चाहे साग के हो, लेकिन मैं उस तरह बना रही हूँ। पेड़ा तो इजी बनता है, लेकिन उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं बना उन्हीं की तरह रही हूँ, बिकॉज वो मजे के बनते हैं। वरना वैसे एक रोटी बना के दूसरी में लगा देते हैं लोग, तो वो इजी हो जाता है, लेकिन ये है कि मुझे उस तरह पसंद नहीं है। ये लेयर्स बनते हैं, मजे के बनते हैं, देखती हूँ बनते हैं मुझे सही तरह, जैसे मेरी अम्मा बनाती हैं मैं वैसे बना रही हूँ। कर लो उधर मेरा एक दोस्त है मिस्टर शौकत, ठीक है, उन्होंने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम, माय ब्रदर, बहुत अच्छे इंसान है, प्लीज उन्होंने विजिट करें, उन्होंने दुकान है इकबाल फूड स्टोर ऑन कार्लाइल रोड, ठीक है, तो मेरे तरफ उन्होंने सलाम है, तो प्लीज़ जाए, इतना ज़बरदस्त इंसान है, तो सारा दिल खुश हो जाए से जा कर, वेरी नाइस गाय, सो प्लीज़ लाजमी इकबाल फूड स्टोर कार्लाइल रोड। टुडेज़ स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो इज इकबाल फूड स्टोर, कोई स्पॉन्सर नहीं कितना है, कर ले एनीवे, चलो यस, तो मैं उन आपको ले आया अचार मिक्स पिकल्स बाय सुप्रीम, ये हम खाएंगे परांठों के साथ, और भी चीज़ा ले आया पर तक दिया के करते हैं, चलो ए तो कहो नाजो नाजो आ तक तो बस मैं तो बता जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आप घबराते तो नहीं है ना? बस घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, जब एक दफा घबरा गए फिर बंदा गया, ठीक है जी। पहला पराठा जो है मैंने डाला है, जैसे मेरी अम्मा बनाती है पेड़े, मैं भी आपके सामने वो पेड़ा बनाती हूँ, कैसे बनाती है, तो मैं जरा डर डर के उसका बना रही थी, क्योंकि वो जब उसको रोटी को ऐसे करते हैं पकाते हैं उसको जो बेलने के बाद, तो वो कई दफा उसमें से जो है साग वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, तो बड़े टिक्की तरीके से होता है, तो मैंने आज अपनी अम्मा के तरीके से बनाए हैं, क्योंकि उनके जो वही ना एक एक कोने में जाते हैं, तो मज़े के होने वाले हैं इंशाल्लाह। ये देखिए वो हो गया, मैं भी आपको थोड़ी देर में पेड़ा दिखाती हूँ कि इसका कैसा रखा था मैंने, ये देखें ऐसे, ये देख रहे हैं आप इसको कैसे इसमें जो है फूल गया है और सॉफ्ट है। ये उसी सूरत में होता है कि जब पेड़ा सही तरह से बना हो, अगर पेड़ा सही तरह से नहीं बना होगा तो रोटी कभी भी पराठा कभी भी इतना मज़े का और सॉफ्ट नहीं बनने वाला, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये निशानी होती है सही पेड़े की बनने की। आटा भी सही गुंदा होना चाहिए, लेकिन आटा गूंदने के बाद पेड़ा सही होना चाहिए रोटी बनाने के लिए। ये देखें, ये आप देख सकते होंगे कि आपको ऊपर साग नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एवरीवेयर है, स्प्रेड होया हुआ है लेयर्स के साथ, ये बना जी पराठा, ये आप देख लें हर तरफ जो है ना साग है। और एक और चीज, जब ये एकदम से गरम गरम नहीं खाया जाता, साग के पराठे को बना के ना थोड़ा ठंडा होने दें, ये और फिर उसका टेस्ट पकड़ता है और मजे का होता है। बहुत ज़्यादा जो खुश्का होता है वो भी नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो वैसे अपने हाथों का ऐसे कर ले, क्योंकि ज़्यादा खुश्के से फिर वो इतना मज़े का नहीं बनता है पराठा। ये भी साथ साथ देखना है ना, उसको भी उल्ट दें, तो जी ये देखें, ये लिया ऐसे किया पेड़े को और ये लगाया जो साग, जितना आप लगाना चाहते हैं जितनी उसकी गुंजाइश है, तो ये तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने लगाया हाथ से, और ऊपर से रखना है, चाहे आपके पास घी है, बटर है, माजरीन है वो लगाएं, मैं जो माजरीन यूज करती हूँ वही करती हूँ, बटर वो भी कर लेती हूँ, और ऐसे थोड़ा सा लेके ऐसे दबा के ये, क्योंकि इससे जो मिडल में आप आटा बनाएंगे ना वो थोड़ा सा पतला पतला सा, मोटा लेके और ही मोटा सा आटा लेके तो वो उसका नहीं, फिर वो उसमें थोबा सा बन जाना है और साग में नजर ही आना और खाली आटा ही आटा होगा, ठीक है। अभी एक लेयर बना ना,
और अभी ये देखें, ये दूसरा लैब बनेगा, ये देखें ऐसे, साथ में इसको भी देखना है। बिस्मिल्लाह, वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये ऐसे आलिंग लगानी है, और फिर से एक और थोड़ा सा टप, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, सिर्फ इसके लेस बनाने के लिए, और साग ज्यादा हो, आटा नहीं ज्यादा होना चाहिए, साग ज्यादा होना चाहिए, और इनको लेयर बनाने के लिए बस ऐसे। ये शुरू से मैंने वॉइस संभाली, ये बचपन से तो मेरी अम्मा ऐसे बनाती हैं, और मैं तो बेलन यूज कर रही हूँ ना, तो अम्मा बेलन भी नहीं यूज करते, वो ढीला सा आटा गूंथते थे सॉफ्टली, और ऐसे नरम नरम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे पराठे बनाते जाते थे। और मैं कहती हूँ मेरी अम्मा जैसा साग का पराठा आज तक कोई नहीं बना सका, कोई भी। ये पेड़ा बना दिया मैंने, ऐसे बंद कर लेना है, और ये सॉफ्ट हैंड से आहिस्ता सा हल्के हल्के हाथों से, ये हो गया बंद, और ये रखेंगे इधर, ये हो गया इधर। We're eating paranthe filled with saag. It's amazing. Having with a char. Some of them you like it, Madi? I really like it. It's yummy. It's very hot still, though. Must I get my hands? Look, everybody, open the dikha. Sara paratha kaise hai? You, dekhen kaise fully hai. Hot. स्प्रेड हुआ सारा जी। हमने पराठे खा लिए, और पराठे खा के वहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर बैठे हैं, अभी बर्तन भी नहीं समेटे थे, तो सबको नींद आनी शुरू होगी, गुनुदगी चढ़ गई, जैसे वो पंजाबी में कहते कुकी चढ़ गई पराठे खा के साग वाले। तो फिर हुआ ये कि अभी सबको नींद आई, वैसे भी टाइम ज़्यादा हो चुका था, थोड़े मैंने लेट बनाए हैं क्योंकि लेट नाश्ते किए थे, तो मैंने खाना भी थोड़ा लेट बनाया था। तो अभी आयला को ऊपर लेके आई हूँ और सोने के लिए, और माधी और रेडी बेड में चला गया है, वहाँ भी ऊपर आ गया है, उसे नींद आ रही है, पर वो बेचारा वेट कर रहा था, एडिट करनी है उसने वीडियो हमारी, और मैं अभी अला को सुलाने लगी हूँ, उसके बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह सो जाऊंगी। जहर भी ऊपर आ चुके हैं, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी दुआओं से कल सुबह आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।